तो दोस्तों आज हम बात करने वाले सोनी के WF-XB700 एयरबड्स के बारे में। क्या मेरा एक्सपीरियंस है इनको, मैंने दो मंथ के करीब इनको यूज किया, दो मंथ प्लस यूज किया है, तीन मंथ के करीब। किन लोगों के लिए ये एक्चुअली में डिजाइन किए गए हैं, किन लोगों को लेने चाहिए और कितने प्राइस तक आपको ये जस्टिफाइड रहेंगे लेने के लिए, और आजकल सेल में काफी सस्ते हो रखे, तो जानते हैं आज की इस वीडियो में इनके प्रोज एंड कॉन्स और बाकी सब बातें। सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रेंड राघव एंड आई एम वेलकमिंग यू ऑन योर ऑन चैनल ज्ञान वायर। सो अनबॉक्सिंग आपने इसकी देख ली है, अब आप बात करते हैं रिव्यू की, या कह लो कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि कोई पॉइंट रह जाए तो बेयर विद मी यार। मैं ट्राई करूंगा कि हर एस्पेक्ट में हर पॉइंट को कवर कर सकूं इसके। और सबसे पहले बात करते हैं हम बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी में आपने देखा कि प्लास्टिक बिल्ड है इसकी, सारी 100% प्लास्टिक बिल्ड है इसकी। हाँ, इसके केस के ऊपर जो ये कवर है, ये लिड है, जो ये लिड जो है आपको थोड़ी सी लाइट मैट फिनिश कह सकते हो आप, काइंड ऑफ लेदर फिनिश, लेकिन बर्ड्स के ऊपर पूरी लेदर फिनिश देने की कोशिश की है सोनी ने। बैक साइड से आपको प्लेन मिलेगा मैट फिनिश में, लेकिन ये ची वायरलेस चार्जिंग केस नहीं है, वायरलेसली आप इनको चार्ज नहीं कर सकते। मैंने बताया फुली प्लास्टिक बिल्ड है ये, और आगे हम बर्ड्स की अगर बात करें जाए तो वो भी पूरे प्लास्टिक में है। ये इस टाइप के कुछ अलग स्पेसशिप काइंड ऑफ डिजाइन है, लेकिन इस डिजाइन के बहुत फायदे हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ, लेकिन कुछ नुकसान भी है ऑब्वियसली। सो मैं इसकी बिल्ड को 8.5 आउट ऑफ 10 दूंगा। बहुत ज्यादा एलिगेंट और प्रीमियम लुक तो नहीं है, लेकिन चीप भी नहीं लगते हैं, और आप काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और स्टडी बिल्ड है इसकी, आप इसको लॉन्ग टाइम यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसमें आपको वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलेगी, चीप वायरलेस चार्जिंग आपको नहीं मिलेगी, लेकिन टाइप सी पोर्ट मिलेगा और फास्ट चार्जिंग आपको इसमें मिलेगी। यानी अगर आप 10 मिनट के लिए इसको बर्ड्स को केस में रखोगे तो आपको 1 घंटे के लिए म्यूजिक प्लेबैक का टाइम मिल जाएगा, उसके बारे में आगे बात करते हैं। और IPX4 की रेटिंग इसमें आपको देखने को मिलती है वाटर रेजिस्टेंस के लिए, मतलब आप इसको पानी में स्मर्च नहीं कर सकते हो, शावर में नहीं लेके जा सकते, लेकिन जिम में यूज कर सकते हो, हल्की फुल्की रेन में बूंदाबांदी में यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। उसके बाद अगर कंफर्ट की बात की जाए, बिल्ड अच्छी है तो कंफर्ट भी अच्छा है, काफी ज्यादा अच्छा है। सो अगर फिट की बात की जाए तो फिट काफी अच्छी है इसकी, कानों में हैवी फील नहीं होते हैं, थोड़े बड़े लगते हैं, लेकिन आप कुछ टाइम के बाद भूल जाओगे, लेकिन हो सकता है आपके फ्रेंड्स से आपको जानने वाले आपको थोड़ा बोलेगा यार ये क्या लगाया हुआ, बहुत बड़े बड़े बर्ड्स है, लेकिन काफी कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बशर्ते आपने सही टिप का यूज किया हो, सही सिलिकॉन टिप का यूज किया हो। क्योंकि मैंने जब नए नए इनको यूज करने शुरू किया था तो मुझे पहले 1-2 घंटे बहुत ज्यादा हार्ट पेन फील हुई थी कानों के आसपास के एरिया में। सो मेरे लिए ये काफी शॉकिंग था कि यार इतने अच्छे ब्रांड की तरफ से अगर एक एयरबड्स, और मैंने सही टिप अपने हिसाब से लगाई थी जो मीडियम साइज मुझे आता था, लेकिन फिर मैंने इस पे लार्ज टिप पे स्विच किया, स्मॉल मीडियम लार्ज सभी टिप, इसमें आपको 4 मिलेंगी, एक आपके साथ में लगी आएगी और 3 टिप्स आज जैसे आपने अनबॉक्सिंग में देखा होगा, 3 टिप्स आपको साथ में मिलती है। सो कह सकते हो आपको 4 साइज़ 4 डिफरेंट साइज की मिलती है, जो लगी हुई साइज वो मीडियम और सेम नहीं है, सो 4 डिफरेंट साइज की टिप्स मिलती है, और मुझे लार्ज साइज मैंने लगा के देखा तो काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहे, हैवी फील नहीं होते है, और अच्छे से फिट हो जाते हैं कानों में, और पैसिव नॉइस कैंसिलेशन भी आपको मिल जाती है इसमें अच्छे से। उसके बाद अगर कॉल क्वालिटी की बात की जाए तो कॉल क्वालिटी काफी मैं कहूंगा कि डिसेंट है, बहुत ज्यादा जबरदस्त नहीं है और बहुत ज्यादा बिल्कुल खराब भी नहीं है। कॉलिंग सैंपल मैंने आपको आगे इसी वीडियो में अटैच कर दिया, आप पहले कॉलिंग सैंपल चेकआउट कर लीजिए, फिर आप जज कर सकते हो कि और आउटडोर में कैसी कॉलिंग है और बाहर कैसी कॉलिंग है, आप खुद जज कर लीजिए। तो ये जो वॉइस रिकॉर्ड हो रही है, ये हो रही है सोनी के WF-XB700 के, जैसे कि आप देख ही रहे हो, मैंने ये बर्ड्स लगा रखे हैं। सो यहाँ पे कोई शोर नहीं है आसपास में, इंडोर में वो वॉइस ये रिकॉर्ड हो रही है, तो आपको मोस्टली क्लियरली वॉइस ही आपको आ रही होगी, सराउंडिंग्स कोई भी कैच ये ज्यादा नहीं कर रहा होगा मोस्टली, मैंने भी अभी तक ऑब्वियसली सुना नहीं है। तो ये सैंपल है आपका सोनी के XB700 का। नेक्स्ट हम आप जो सैंपल देखोगे वो देखोगे ट्रैफिक वाले एरिया का। तो ये वॉइस सैंपल जो है वो है सोनी के WF-XB700 का, विथ डिसेंट ट्रैफिक ऑन हाईवे, सो आप देख सकते हो किस तरह की आवाज़ इसमें रिकॉर्ड हो रही है, सुन सकते हो सर, एंड काफ़ी ज़्यादा नॉइस आसपास की जो है वो ज़्यादा कैप्चर करता है ये। एक्चुअली ये मुझे थोड़ी सी इसमें इशू लगा कि आपको जो है नॉइस कैंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं मिलती है, वॉइस रिकॉर्डिंग कह लो या कॉलिंग में भी आपको सेम एक्सपीरियंस मिलेगा। अब मैं आपको हाई ट्रैफिक एरिया में जाने की कोशिश करूँगा, जहाँ पर आप देख सकते हो कैसी वॉइस रिकॉर्डिंग होएगी इसकी। सो वैसे आपने सैंपल से आइडिया लगा ही लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं इसको 7.5 आउट ऑफ 10 दूंगा कॉलिंग के लिए, क्योंकि इसमें विंड कैंसिलेशन बिल्कुल नहीं है। अगर आप हवा में जाते हो या बाइक पे हो या बहुत ज़्यादा हवा में कहीं भी जा रहे हो, तो हवा की इसमें डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा कॉलिंग आती है, और सामने वाले पर्सन को आपकी आवाज़ कम और हवा की आवाज़ ज़्यादा आती है, या आसपास की नॉइस को ये बहुत ज़्यादा कैंसिल नहीं करता है। हालांकि इसमें 2 माइक्स है, लेकिन फिर भी नॉइस कैंसिलेशन कॉलिंग में इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त नहीं है, कॉलिंग में ठीक है, लेकिन नॉइस कैंसिलेशन अच्छी ना होने की वजह से कॉलिंग खराब हो जाती है, आपका एक्सपीरियंस जो है वो खराब हो जाता है काफी केसेस में। उसके बाद अगर बात की जाए बैटरी लाइफ की, तो बैटरी लाइफ जबरदस्त है, बैटरी लाइफ आई थिंक मैं कहूंगा कि 10/10 है इसमें,
क्योंकि बैटरी लाइफ मुझे बहुत जबरदस्त मिली है इनसे। जैसा कि इन्होंने क्लेम किया कि 9 घंटे का आपको बर्ड्स में बैटरी लाइफ मिलेगा, आई थिंक इसको टेस्ट करना भी काफी मुश्किल हो गया था मेरे लिए कि 9 घंटे लगातार म्यूजिक सुन पाना भाई मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन कुछ लोग हो सकते हैं जो 9 घंटे लगातार म्यूजिक सुन लेते हो, लेकिन इसमें केस में जो बैटरी लाइफ है वो आपको सिर्फ एक बार बर्ड्स चार्ज करने के लिए मिलता है, वो भी 9 घंटे का उसमें आपको मिलता है टाइम। सो आई थिंक फिर भी दोनों मिला के, क्योंकि बर्ड्स की खुद की बैटरी लाइफ बहुत जबरदस्त है, तो 18 आवर्स का आपको 18 आवर्स में मुझे 1670 आवर्स तो ऑलमोस्ट मिल ही गया इन माई टेस्टिंग। सो आई थिंक काफ़ी सफिशियंट है बैटरी, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर बात की जाए लास्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एयरबड्स के लिए, या कह लो सबसे मेन चीज़ साउंड क्वालिटी, तो साउंड क्वालिटी की अगर बात की जाए क्लैरिटी में मैं आई थिंक इसको 9 out of 10, काफ़ी अच्छी क्लैरिटी इसमें देखने को मिलती है। बिसाइड इसमें बेस काफ़ी ज़्यादा हैवी है, क्योंकि एक्स्ट्रा बास वाले उन्होंने लिखा ही हुआ है, ऐसा क्लेम करती है कंपनी, तो काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा बास आपको मिलेगी जो अगर बेस हेड्स है जो उनको लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहेगी। ट्रैवल में थोड़ा बहुत दिक्कत आती है, कभी कभार आपको फील होता है, लेकिन ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मिड्स की बात की जाए, मिड्स भी काफ़ी ज़्यादा क्लियर है, आपको वोकल्स काफ़ी क्लियर देखने को मिलते हैं। अगर आप कोई म्यूजिक वगैरह इन्जॉय कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप कोई पंजाबी टाइप का या हिप हॉप टाइप का म्यूजिक सुन रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल वॉइस आपको सुनने को मिलती है इसमें। कई हेडफोन्स में होता है कि बहुत ज्यादा बर्ड्स में जो है ना ट्रेबल साउंड करता है, बहुत तीखी आवाज आने लग जाती है या ऐसी हार्शनेस आती है, वो इसमें आपको देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, बहुत प्रीमियम साउंड मिलेगा। आई थिंक जो मैंने इनके XM3 सुने थे, अभी XM4 आने जा रहे हैं, लेकिन XM3 जो इनकी साउंड क्वालिटी है उससे थोड़ा ही कम कह सकते हो आप, किसी किसी सिनेरियो में, वो भी किसी किसी सॉन्ग में आपको जज कर पाओगे कि उनसे थोड़ा कम है, लेकिन प्राइस का बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि XM3 जो है आपको 20,000 की प्राइसिंग है, उसमें आपको अभी 15, 16, 18 के मिल जाते हैं आपको सेल में, और ये अभी 8 के मिल रहे हैं। सो आधा कह लो कि 50% का आपको जो है इसमें प्राइस में डिफरेंस मिल जाता है, लेकिन साउंड क्वालिटी ऑलमोस्ट सेम मिलती है आपको, थोड़ा सा आप कम जज कर सकते हो, लेकिन काफ़ी हद तक नेचुरल साउंड आपको देखने को मिलता है, काफ़ी क्लैरिटी है, लेकिन बास आपको एक्स्ट्रा बास मिलेगी जो ज़्यादातर लोगों को पसंद होती है। उसके बाद अगर बात की जाए नॉइस कैंसिलेशन की, तो नॉइस कैंसिलेशन में आपको ANC नहीं मिलता, एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन नहीं मिलती, सिर्फ आपको जो है पैसिव नॉइस कैंसिलेशन मिलेगी। लेकिन अगर आप इसको लगा के सही, अगर टिप जैसे कि मैंने बताया, तो फिट भी आपकी अच्छी रहेगी, और सही टिप लगाने पर आपको काफ़ी ज़्यादा, आई थिंक 60-80% मेरे केस में तो मैं कहूँगा कि जो है नॉइस कैंसिलेशन आपको मिल जाती है, बहुत ज़्यादा साउंड आपको बाहर के सुनने को नहीं मिलता। अगर आप म्यूजिक बंद भी कर देते हो तो आपको थोड़ा बहुत साउंड मिलता, तब आपकी 50-60% रह जाती है। सो मैं इनको जज करने के लिए इनफैक्ट रोडवेज की बस में भी चढ़ गया कि कैसी इनकी जो है नॉइस कैंसिलेशन कैसी मिलती है आपको, जो पैसिव नॉइस कैंसिलेशन कैसी मिलती है इतने ज़्यादा शोर और हंगामे वाले एरिया में। सो काफ़ी जगह मैंने इनको यूज़ करके देखा, तो मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी नॉइस कैंसिलेशन मिल जाती है, लेकिन ऑब्वियसली ANC की थोड़ी सी कभी हमें जो है कमी महसूस होती है। उसके बाद अगर लास्ट बात की जाए कंट्रोल्स की, तो कंट्रोल्स आपको सारे इसमें मिल जाते हैं, प्ले पॉज की ट्रैप वॉल्यूम कंट्रोल्स सभी आपको मिल जाएगा, वॉइस असिस्टेंट भी आपको इसमें मिल जाएगा, लेकिन बटन कंट्रोल्स मिलते हैं, टच कंट्रोल्स नहीं मिलते, जो काफ़ी ज़्यादा केसेस में आई थिंक अच्छे होते हैं बटन कंट्रोल, मैं पर्सनली लाइक करता हूँ, क्योंकि आप ग्लव्स पहन के उनको यूज़ कर सकते हो, जैसे अभी विंटर्स के मौसम में ग्लव्स पहन के यूज़ कर सकते हो, और अगर आपके हाथ पे कुछ लगा है या कुछ भी ऐसा हाथ आपके वैक्ट है, तभी भी आप बटन कंट्रोल्स आपके हमेशा वर्क करते हैं, कभी भी मिस नहीं होते। सो टच कंट्रोल्स के मुकाबले मैं पर्सनली लाइक करता हूँ, बाकी आपकी चॉइस है, लेकिन इसमें आपको जो है टच कंट्रोल्स नहीं मिलते। आप XM3 पे जा सकते हो अगर आपको टच कंट्रोल चाहिए, वैसे अभी तो XM4 आने जा रहे हैं, सो XM3 और ज़्यादा प्राइसिंग कम हो जाएगी, अगर आप XM4 लेना चाहते हो तो वेट कर लीजिए। उसके अलावा अगर कनेक्टिविटी की बात की जाए, तो कनेक्टिविटी में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, मैं 9.5 out of 10 देना चाहूँगा इसको कनेक्टिविटी में, 10-15 मीटर तक आराम से आपको कनेक्टिविटी मिलती है, कभी भी डिस्कनेक्ट नहीं हुआ मेरा एक भी बार ये बर्ड्स जो है। और अगर आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर जाते हो, तो मुझे एक दो बार दिक्कत आई, उसमें आपको दिक्कत आ सकती है अगर आप फ्लोर चेंज करते हो, या फिर बहुत ज़्यादा जो है रुकावट आती है ऑब्वियसली आपको, तो ब्लूटूथ में ये कॉमन है, अगर रुकावटें आएंगी बीच में तो आपका थोड़ा इफेक्ट पड़ता ही है उस चीज़ का। और अगर लेकिन मैंने खुले एरिया में देखा, जैसे मैं अपने फ्रेंड की फैक्ट्री में था, तो मुझे 18 मीटर तक की मुझे कनेक्टिविटी आराम से मुझे लगता है मिल गई है। सो मुझे नहीं लगता आपको कनेक्टिविटी में कोई भी टेंशन लेने की नीड है। और अगर बात की जाए लेटेंसी की, तो लेटेंसी भी आपको इसमें अच्छी मिलेगी, इनफैक्ट अबव एवरेज कह सकते हो आप, ज़बरदस्त कह सकते हो, क्योंकि मुझे कोई भी दिक्कत नहीं आई वीडियोज़ देखते हुए, मूवीज़ देखते हुए, या म्यूज़िक सुनते हुए, कैजुअल गेमिंग भी मैं फ़न के लिए कभी कभार करता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो, और अगर आपके गेम हारने से आपका बीपी अप डाउन जाता है, तो आप मत ही करो इससे गेमिंग। वैसे मेरे हिसाब से तो हार्डकोर गेमर कभी भी यूज़ नहीं करते ब्लूटूथ हेडसेट वगैरह या ब्लूटूथ बर्ड्स। सो आप कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी लेटेंसी में, और उसके अलावा कनेक्टिविटी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो गो ऑन, फाइनल कंक्लूजन की बात की जाए, तो बेस्ट इन बेसिक्स कहूंगा मैं इनको, क्योंकि एक बेस्ट बर्ड्स का मेन काम क्या है, आपको एक अच्छा साउंड क्वालिटी, अच्छा म्यूजिक एक्सपीरियंस देना अच्छी बैटरी लाइफ के साथ। सो आपको जबरदस्त बैटरी लाइफ मिलेगी, जबरदस्त साउंड क्वालिटी मिलेगी, अच्छी फिट मिलेगी देखने के लिए, जो एक अच्छे साउंड क्वालिटी के लिए, साउंड एक्सपीरियंस के लिए, म्यूजिक एक्सपीरियंस के लिए जरूरी होती है। और आपको एक्स्ट्रा बेस मिलेगा, जो लोगों को एक्स्ट्रा बेस चाहिए होता है, और आपको फास्ट चार्जिंग मिलेगी इतनी जबरदस्त बैटरी लाइफ के अलावा भी।
अगर आप फिर भी और ज्यादा म्यूजिक सुनना चाहते हैं, बर्ड्स डाउन हो रहे हैं जो मुझे नहीं लगता कभी होंगे बैटरी लाइफ, लेकिन हो रहे हैं तो आप फटाफट उसको चार्ज कर सकते हो, फास्ट चार्जिंग मिलेगी। सो ये एक बेस्ट म्यूजिक एक्सपीरियंस जो अगर आप म्यूजिक लवर है, लॉन्ग टाइम म्यूजिक सुनते हैं और बहुत ज्यादा चार्ज वार्ज करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो ये आपके लिए है। अगर आप बहुत ज्यादा फीचर पसंद करते हो तो ये आपके लिए मैं कहूंगा कि नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फीचर कुछ नहीं मिलेंगे ना। सो प्रॉक्सिमिटी सेंसर नहीं मिलेगा, ANC नहीं मिलेगी, वायरलेस चार्जिंग आपको देखने को मिलेगी नहीं, और उसके अलावा अगर सबसे जड़ा जो मुझे कौन लगा वो ऐप सपोर्ट का ना होना। किसी भी ऐप की, सोनी की जो म्यूजिक ऐप है उनको ये सपोर्ट नहीं करते हैं, जी हाँ। सो ये एक बड़ा कौन है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाए, जैसे आउट ऑफ द बॉक्स आपको इनको यूज करना है और वही आप इसको यूज कर सकते हैं। ना तो आप इसके कंट्रोल्स को चेंज कर सकते हो, ना आपकी साउंड क्वालिटी को चेंज कर सकते हो, मतलब ना ही आपको कल को कोई ऑब्वियसली कोई अपडेट भी नहीं मिल सकती सोनी के द्वारा इसमें, क्योंकि कोई भी ऐप सपोर्ट नहीं है। सो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा कौन है, ऐप सपोर्ट का ना होना। और अगर एक छोटे कॉन्स की बात की जाए तो एक दो छोटे कॉन्स भी मैं कहूंगा कि जैसे इसमें टच कंट्रोल्स नहीं है, ये कुछ लोगों के लिए कौन हो सकता है, और उसके अलावा अगर IP रेटिंग थोड़ी सी कम है, IPX4 है, IP67 नहीं है, सो ये भी कुछ लोगों के लिए दिक्कत हो सकती है। सो अगर आप बेसिक चीजें, बेसिक म्यूजिक लवर है, सो आपको ज्यादा फीचर्स से मतलब नहीं है, ज्यादा झंझट से मतलब नहीं है, तो ये आपके लिए है। और अगर आपको ज्यादा फीचर्स चाहिए या आपको बहुत ज्यादा प्रीमियम लुक्स चाहिए तो शायद ये आपके लिए नहीं है। और मैं इनको आउट टोटल जो कंक्लूजन में मैं कहूंगा कि 8 out of 10 है, बहुत ज्यादा फीचर्स में कमी है, लेकिन अच्छी साउंड क्वालिटी और अच्छी बिल्ड और अच्छी फिट और क्या लो कि फास्ट चार्जिंग, ये सब बेसिक्स बस बढ़िया होने के कारण मैं इनको 8 out of 10 देना चाहूंगा। बाकी आप नीचे मुझे कमेंट करके बताइए कि अगर कोई एस्पेक्ट मुझसे छूट गया हो, कोई पॉइंट मुझसे मिस हो गया तो नीचे कमेंट करके बताना। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, या अगर आप ऐसी ही अनबॉक्सिंग और रिव्यूज की वीडियोस और देखना चाहते हो वो भी नीचे कमेंट करना, और सब्सक्राइब करना, तभी तो बढ़िया बढ़िया अनबॉक्सिंग और रिव्यूज आएंगे। और नॉलेज बेस्ड वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी बताना, जो भी आप देखना चाहो नीचे कमेंट जरूर करना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रहिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विद ज्ञानवाय।